लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्या नवीनबाई की एपीएमसी मंडियां अब कहीं और शिफ्ट होने वाली हैं? बीजेपी विधायक गणेश नाइक की माने तो राज्य सरकार वासी की पांचों मंडियों को रायगढ़ में शिफ्ट करने की तैयारी में है और मंडियों की जमीन को बिल्डरों को देने की साजिश चल रही है। फिलहाल इन खबरों से व्यापारियों और माथाड़ी कामगारों में हड़कंप मच गई है। हालांकि मंडी संचालक इसे खारिज कर रहे हैं। सवाल यह है कि कहीं यह खेल किसी बिल्डर और कॉरपोरेट कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं खेला जा रहा? आखिर इसका सच क्या है? देखिए रिपोर्ट। एपीएमसी को रायगढ़ जिला में शिफ्ट करने की कई लोगों की इच्छा है। जी हाँ, सही सुना आपने। यदि पूर्व मंत्री गणेश नाइक की माने तो एशिया की सबसे बड़ी बाजार मंडी अब रायगढ़ जिले में शिफ्ट होगी। यानी जिन मंडियों को 1981 में मुंबई से नवी मुंबई लाने और बसाने में 14 साल लग गए थे, उन मंडियों को नए सिरे से रायगढ़ में बसाने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो मंडियों के हटाने के पीछे का असली खेल कुछ और भी है। सवाल यह है कि जिस रायगढ़ में नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए आज तक पूरी जमीन नहीं मिल सकी, वहां पांच मंडियों के लिए 500 एकड़ की जमीन कहां से मिलेगी? सूत्रों की माने तो नवी मुंबई के एक नामचीन बिल्डर ने 200 एकड़ में बसी एपीएमसी की जमीन के बदले 1000 एकड़ जमीन देने का जब से सिगुफा छोड़ा है, तभी से यह मामला सुर्खियों में आ गया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार बिल्डरों के जरिए इस तरह का कोई छुपा एजेंडा चला रही है? इस पर एपीएमसी संचालकों की प्रतिक्रिया से पहले बीजेपी नेता गणेश नाइक का बयान सुन लीजिए कि आखिर उनकी चिंता क्या है। एपीएमसी को रायगढ़ जिला में शिफ्ट करने की कई लोगों की इच्छा है। वो कार्रवाई अंदर अंदर से शुरू है, जिसमें फल बाजार, भाजी बाजार, कांदा बटाटा बाजार, मुड़ी बाजार, यानी सभी बाजार को शिफ्ट करने का। खैर, अभी मंडियों के शिफ्टिंग की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही विरोध तेज हो गया है। मनसे सहकार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहब सिंधे ने टीवी वन इंडिया के कैमरे पर खुली चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ तो सहकार और कामगार सेना उसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग से व्यापारियों और माथाड़ी कामगारों के लिए नई मुसीबत पैदा होगी। मनसे नेता ने कहा कि संभवतः यह एक राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है ताकि मनपा चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। यहाँ पे पनवेल में, उरण में या रायगढ़ जिले में 500 एकड़ जगह कहाँ है? जिस तरीके से ये जो चल रहा है, मेरे हिसाब से अफवाह होनी चाहिए या व्यापारी लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है। और आगे जाके नवी मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है। दूसरा, नवी मुंबई का सबसे बड़ा जो अभी एयरपोर्ट है वो सब जगह उसने खा ली है, उसके ऊपर भी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, नामांतरण की चर्चा चल रही है। लेकिन वहाँ पे जब कहीं जगह लेंगे और मंडी बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे लोड और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था वो बनी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उतना पुलिस बल या और यंत्रणा नहीं है। आज 32,000 माताड़ी यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ का माताड़ी जो यहाँ स्थित है वो उरन कैसे जाएगा? वो नहीं जा सकता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट को एक तो अफवाह समझ के छोड़ दीजिए, और सच्चाई निकली तो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना इसका कड़ा विरोध करेगी और ये मार्केट यहाँ से जाने नहीं देगी। अब इस मुद्दे पर कांदा बटाटा मार्केट के संचालक अशोक वालुंज का खुलासा भी सुन लीजिए। कई सालों से प्याज मंडी के पुनर्विकास के प्रयास में जुटे एपीएमसी संचालक अशोक वालुंज दावा करते हैं कि राज्य सरकार ने मंडियों की शिफ्टिंग के लिए अब तक कोई भी प्रत्यक्ष एजेंडा तैयार नहीं किया है और ना ही कोई छुपा एजेंडा ही चलाया जा रहा है। मंडी संचालक अशोक वालुंज ने कहा कि संभवतः बीजेपी नेता गणेश नाइक को कोई गलत सूचना देकर उन्हें गुमराह कर रहा है, जबकि मंडियों के स्थानांतरण की खबर अफवाह के सिवा और कुछ भी नहीं है। नाइक साहब न्यू बॉम्बे के नेता है, उनको कोई तो गलत मैसेज उनके पास गया है। वैसा कोई सरकार के पास, अभी हम लोग का भी सरकार दरबार में हमेशा मीटिंग के दरमियान चर्चा होती है, तो ऐसी कोई भी चर्चा ना सरकार के पास है ना बोर्ड में चर्चा हुई है। वो कोई गलत मैसेज न्यू बॉम्बे में फैल के गैर समझ किया है, वैसी कोई भी चर्चा हमारे पास तो अभी तक नहीं हुई। अभी नाइक साहब को किसने क्या बताया होगा ये तो हम बता नहीं सकते।
लेकिन उस बात का इतना आसान काम नहीं है और उस बात की कोई पहली बात तो चर्चा ही नहीं है कि ये शिफ्टिंग होगा या करने का है या गवर्नमेंट का कोई इरादा है या कोई बड़े कोई बिल्डर ला के यहाँ पे करना, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। सिर्फ खांदा बटाटा मार्केट की बात चल रही है और जो हमारे मसाला मार्केट में सेंट्रल बिल्डिंग है वो भी 2 साल पहले धोखादायक डिक्लेयर की है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग और खांदा बटाटा मार्केट, ये रीडेवलपमेंट की बात अभी चल रही है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है एपीएमसी में। जाहिर है जब से सरकार ने नया UDCPR लागू किया है तभी से इस तरह के मुद्दे गर्मा गए हैं। हकीकत यह है कि कमर्शियल जोन में स्थित सिडकोर MIDC के यूटिलिटी भूखंडों को बेचने की होड़ मची है। पहले ट्रक टर्मिनल के शिफ्टिंग का मुद्दा उछला था, अब मंडियों की बारी है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।